हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। और मैं आज कहूँगा इस खेतों की तरफ और देखते हैं क्या होता है। अपन नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ब्लॉग में दिखाऊंगा खेतों में रही है धान की, उसमें हम दवाई वगैरह कैसे देते हैं और उसमें ये मेरा भाई है जो कि उसमें दवाई वगैरह दे रहा है कीटनाशकों की, कीड़े वगैरह से बचाने के लिए। अब देखते हैं और कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा। अब चारों तरफ धान ही धान है, चारों तरफ खेती खेती है। ये हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, पटवारी हमारी करावली है। और अभी देखो यहाँ पर एक खर पड़ रहा है, देख सकते हैं यार, इसको भी रोकते हैं। ये इधर भी धान ही धान है, ये सब खेत हैं जिनमें कि धानों की फसल हुई है। वैसे तो इसमें मेरा भाई दवाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर एकड़ खर पड़ चुका है, इसको भी रोक दें। देखिए रुको, मैं एक मिनट होल्ड कर। सो फाइनली गाइस, हमने ये खर रोक चुका है। वैसे तो सारा पानी निकल गया खेत का, फ़ायदा क्या हुआ रोकने से, जिसमें सुबह ही भर के गया हूँ मैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर से इसमें चलाना पड़ेगा पानी। जिसमें के इसी में जैसे चावल बनते हैं ना हमारे, कुटेंगे मंडी जाते हैं, फिर खेती खेती है चारों तरफ और ज़्यादातर सब धान है, ज़्यादातर धान ही धान है चारों तरफ। खेतों के पास में ही है, देख सकते हैं। सो पहले उतरी हुई है, चलो वही भाई भी पहुंच गया, और टंकी भरवानी है दूसरी, तो चलते हैं। इसमें ये चक्रोड़ है जिसे हम दवाई दे रहे हैं आज। हमने दूसरी टंकी लोड करा दी है पहले, तो पानी निकला है वो दोबारा से भर जाए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बस। जी हमने पानी खोल चुका है खेत में, देख सकते हैं अब सही है। तीसरी टंकी का पानी लिए लेने चलते हैं। पानी लेके आते हैं पहले, तारों की खिंचाई हो रही है आप देख सकते हैं। कूप है, मैं बुश वगैरह पढ़ते हैं भैंसों के लिए। गाय भी मतलब सड़क आ चुकी है इधर की साइड में, देख सकते हैं ये इधर की साइड में हमारा गांव है। और ये इधर जा रहे हैं मगोरा की तरफ, जो कि बोले भाई पास है, इधर से आप मथुरा भी निकल सकते हैं। फाइनली ये है मंदिर, यही हमारे पास का सबसे बढ़िया मंदिर है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी आते हैं। ये यहाँ पर सब व्यवस्था है, ये बीम वगैरह लगाने की व्यवस्था है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग धरा है, इसको भी उठाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, क्या बन तो गया लेकिन इसको उठा नहीं सकता, कोई तान नहीं सकता, उसका के नाम बजरंग है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इन कट्टियों को भरते हैं, को भरते हैं कट्टे
गाइस, हमारी कट्टी भी लोड हो चुकी है। चलो मैं आपको इस मंदिर को दिखा देता हूँ। गाइस ये दवाई का काम तो ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट टाइम की है इसकी। अब हम चलते हैं सीधे घर की तरफ। आखिरकार इस कच्चे रास्ते को पार करके जे हमारा हाईवे आ चुका है। इधर हाईवे पर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर रास्ता हम क्या चलना है। फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुँच तो चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इसका नाम रामड़ी महाविद्यालय। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं। ये हमारे गांव का पहला घर है, पड़ती अपना अपनी भाई का ही है। रोती सीधा घर जाएंगे, यार भूख बहुत लग रही है, घर भी पहुँच। उस गली को पार करके सीधा अपना घर आ जाएगा। इधर की साइड में एक गली गई है, पर लेकिन हमको इधर नहीं आए, हमको उधर जाना है। मैं तो आप देख सकते हैं ये आज का अपना घर। मुझे यहाँ मेन गेट है और यहाँ पे हमारे घर के पास में ये कुआ है, शायद आपने देखा ना वो कुआ। ये अभी भी चालू है, तो एंटर होते हैं अपने घर के लिए। Well done. I got bribes in the London, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.